नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मेरा नाम है नमन अग्रवाल। बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर जोरदार निशाना साधा है। पटना से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान हाजीपुर में मंत्री ने नित्यानंद राय को बयानवीर करार देते हुए जोरदार हमला बोला और कहा कि ऐसे नेताओं को केवल अनाप शनाप बखना आता है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले और बिहार का विकास कैसे हो, शिक्षा और व्यवस्था में सुधार कैसे हो, इससे ऐसे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के जदयू विधायक को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर भी उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना की। वहीं उन्होंने बिहार में ईडी की छापेमारी को लेकर भी भाजपा पर जोरदार हमला बोला और ईडी की छापेमारी को राजनीतिक रंजिश करार देते हुए इसकी तीखी आलोचना की। इस अवसर पर राजद नेत्री के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईटी मिनिस्टर इसराइल मंसूरी का जोरदार स्वागत किया। फ्लो टेस्ट हुआ, उसमें सरकार पर क्या माने, इस पर क्या कहना है आपको? फ्लो टेस्ट हुआ जिसमें, फ्लो टेस्ट एक परंपरा है कि हम लोग तो 164 विधायक का समर्थन पत्र हमारी महागठबंधन के लोगों ने राज्यपाल को देने का काम किया है, उसमें कुछ बात ही नहीं सब। तो इसमें अभी नित्यानंद राय जो बयान दे रहे हैं, अनाम सनाम बक रहे हैं, इसमें आपका लोगों का काम है अनाप शनाप सिर्फ बोलना, काम तो कुछ करना है नहीं, विकास के बारे में सोचना नहीं, युवा को रोजगार मिले हुआ सोचना नहीं, महंगाई कम हो ये सोचना नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो, इन सबसे कोई मतलब नहीं। ये लोग ज्ञान भी है इस पर क्या बोलते। और अभी जो अरुणाचल में एक विधायक का, जो जदयू का विधायक था जिनको बीजेपी ने पैसा के लालच दे के तोड़ लिया गया है, इस पर क्या कहना है आपको? यही सब ना आदत के कारण जो है सो आज बिहार में सरकार से बाहर हुए हैं। ये लोग जो है सो धन बल के बदौलत जो है सो जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, कई राज्यों की घटना भी देखे हैं, अभी झारखंड में भी लोग क्या करने जा रहे हैं सो देखिए, इन्हीं लोगों के कारण और यही रथ को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार से रोकने का काम किया है। और नीतीश कुमार भी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जोड़ी देश को भी लोगों को लगाने का काम करेगी। इसमें अभी जो ईडी के छापा पड़ रहे हैं आरजेडी के नेता पर, इसमें क्या कहना है आपको? ईडी के छापा पड़ रहे हैं तो सब तमाम बिहार के लोग भी जो समझ रहे हैं, हमारे नेता गाँव के आन बान शान उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बताया है कि ईडी का मतलब क्या होता है, बीजेपी का हाउस में भी बोले हैं, इस पर क्या बोलना है, सब लोग बिहार के एक एक जनता समझ रही है, जान रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।